बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा का विवादित बयान रमईपुर गांव में एक सभा के दौरान, विधायक का धमकी भरा बयान नहीं दफन होने देंगे ताजिया। बोले, किसी माई के लाल की हैसियत नहीं है जो यहां करबला बना दे। केंद्र में मोदी की और राज्य में योगी की सरकार है, इसलिए यहां ताजिया तो दफन नहीं होने देंगे। और अगर जबरदस्ती यहां पर कोई भी ताजिया या इस तरह का कार्यक्रम जबरदस्ती कोई रखने का काम करेगा तो सबसे पहले अभिजीत सिंह सांगा यहाँ पर तखत डालकर, साथियों यहाँ पर हम बैठेंगे और ये साथियों हम चुनौती देते हैं कि अभिजीत सिंह सांगा के रहते हुए किसी माई के लाल की यह हैसियत नहीं है कि इस स्थान को करबला बन जाने दे। इसके लिए बस आप लोग एकजुट रहिए, एकजुट होकर के हमारे हिंदू भाई एकजुट होकर के एक जगह एकत्रित होकर के आने वाली लड़ाई के लिए मुस्तैद रहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि साथियों आज देश में मोदी की सरकार है और प्रदेश में योगी की सरकार है और योगी की सरकार में ऐसे अराजक तत्व कि ये हैसियत नहीं पड़ेगी कि यहाँ की धरती पर आकर के करबला बनाने का काम करें या कोई ताजिया दफनाने का काम करें, ये उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। आज ये मैं चुनौती देने का काम उन लोगों को करता हूँ। बनाने वाली तारीख को कौन सी तारीख बन रही है? 19 तारीख को विधानसभा चल रही होगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर यहाँ ताजिया उठेगा तो लखनऊ की विधानसभा में छोड़ दूंगा और यहाँ पर आकर के बैठने का काम करूंगा। इस कार्यक्रम को हमेशा के लिए रोकने का काम साथियों यहाँ पर कर दिया जाएगा। इस साथियों यहाँ पर ताजिया तो दफन नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर उनके इरादे दफन कर देंगे। आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सबने जो आज हमारा हौसला बढ़ाया है, आपको ये वचन देते हुए कि जहाँ हिंदुत्व की बात होगी, जहाँ सनातन धर्म की बात होगी, जहाँ भगवान झंडे की बात होगी, वहाँ पर हम आपका भाई अभिजीत सिंह सांगा आपके साथ हमेशा खड़ा रहने का काम करेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राम, जय श्री राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। अभी अभी एक वीडियो सामने आया जिसमें अभिजीत सांगा विधायक जी जो अल्फाज अदा कर रहे हैं मुहर्रम को लेकर, लिहाजा वो अल्फाज बेहतर नहीं हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि उनको हिदायत दी जाए, इस तरीके के अल्फाज अदा करके नफ़रत का जहर ना घोला जाए। मैंने तमाम आला अधिकारियों को इस वीडियो के बारे में अवगत करा दिया है। मुहर्रम को लेकर जो भी गाइडलाइन आई, हम सभी लोगों ने उस पर अमल किया और कोरोना महामारी को देखते हुए हमारे मजहब में ये नहीं बताया गया कोई ऐसा काम किया जाए जो हिंदुस्तान की संविधान के खिलाफ हो। लिहाजा अभिजीत सांगा एक विधायक जिम्मेदार आदमी होकर इस तरीके के अल्फाज अदा कर रहे हैं, नफरत का जहर हिंदू मुस्लिम क्यों किया जा रहा है? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे बुजुर्गों ने हमेशा ये तालीम दी है कि अपने मुल्क की अजमत के लिए, अपने मुल्क की मट्टी के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि जहां तक ताजिया का मसला है और उन्होंने जो अल्फाज अदा किए हैं ये नाकाबले बर्दाश्त हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी के दम हो या किसी के लाल में दम हो, वह आकर यहां पर ताजिया दफन करे। लिहाजा मैं ये बताना चाहता हूं, हुसैन के चाहने वाले कभी ये नहीं देखते कि उनकी गर्दनें कट जाएं या उनका कुछ बिगड़ जाए। हुसैन के लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं, कहीं ना कहीं तो कोई भी अल्लाह का एक ऐसा बंदा उभर के आता है जो अपने अल्फाजों को अदा करके ये अवगत कराया जाता है। लिहाजा मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ, अभिजीत सांगा जो अल्फाज अदा कर रहे हैं ये बेहतर नहीं है। हम अपने मुल्क में हिंदुस्तान में रहते हैं, गंगा जमनी तहजीब को कतई हम पामाल नहीं होने देंगे। हमें इस पर गौर व फिक्र करना है और जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही है, वक्त आने पर इंशाअल्लाह हम सभी लोग इसका जवाब भी देंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की संविधान के खिलाफ इस मुल्क की अजमत के लिए हम कोई ऐसा पैगाम नहीं देंगे जिससे हमारे मुल्क से गलत पैगाम जाए।
हमारी अपील है शासन प्रशासन से, जिस तरीके से उन्होंने वीडियो वायरल करके इस तरीके के अल्फाज अदा किए हैं, ये बेहतर नहीं है। पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। हम लोग हमेशा प्रशासन के साथ खड़े रहते हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। जो भी गाइडलाइन आई माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की जानिब से, शासन प्रशासन की जानिब से, हम सभी लोगों ने उस पर अमल किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अमल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।